रेडमी अपना रेडमी नोट 10 सीरीज लॉन्च करने वाला है और रियलमी अपना 8 सीरीज लॉन्च करने वाला है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको रियलमी 8 में क्या क्या स्पेक्स जो है देखने को मिलेगा, फुल स्पेक्स बताऊंगा, क्योंकि ये फोन 5G होने वाला है। किस प्राइस रेंज के साथ ये इंडिया में लॉन्च होगा सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फोन में आपको डिस्प्ले क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्ले कौन सा देखने को मिलेगा। डिस्प्ले जहाँ तक हमें लगता है रियलमी 7 में जिस तरह डिस्प्ले देखने को मिला था वही डिस्प्ले इस फोन में भी देखने को मिलेगा, यानी कि 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, पंचोल कैमरा के सेटअप के साथ फुल HD प्लस का रेजुलेशन रहने वाला है, IPS पैनल ही रहेगा और ऊपर से आपको 90Hz का रिफ्रेशिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा इस फोन में। तो डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला, बस आपको एमोलेड पैनल नहीं देखने को मिलेगा, IPS पैनल ही देखने को मिलेगा, लेकिन फुल HD रेजुलेशन के साथ 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन का बैटरी के बारे में। आपको इसमें 5000mAh का बैटरी जो है देखने को मिल जाएगा, 33W का आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी आपको बिग देखने को मिल जाता है जो कि आप अच्छा खासा दिन में यूज कर पाओगे एक बार चार्जिंग करने के बाद। ऊपर से आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है जो कि आप तुरंत से अपना फ़ोन चार्ज कर लोगे, तो आपको बैटरी में कोई भी कमी इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस फ़ोन में आपको डाउन साइड जो देखने को मिलता है वो कैमरा, क्योंकि कुछ अगर 5G फ़ोन दिया तो कुछ ना कुछ डाउन साइड तो बनता ही इस फ़ोन के लिए, तो इसमें कैमरा में ही कटौती कर दिया है। तो कैमरा जो आपको देखने को मिलता है रेयर साइड में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप, जो कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस के साथ ये रेयर कैमरा आता है आपके लिए। अगर सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि पंच होल कटआउट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा में भी कटौती किया गया है क्योंकि 5G फोन है तो इस सब में कटौती करना तो बनता है कंपनियां के लिए, तभी तो प्राइस कम होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि मायने रखता है कैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा इस फोन में। तो आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, MediaTek Dimensity 720 आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 5G के साथ आने वाला है। Dimensity जो है वो 5G प्रोसेसर बनाता है जो कि MediaTek के तरफ से आता है। तो जिस फोन में Dimensity का प्रोसेसर रहा वो फोन 5G होने वाला है, यानी कि इंडिया में जो भी फोन अब आएगा तो अगर Dimensity पर प्रोसेसर पर रहा तो ये 5G फोन होगा। तो आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर जो है देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ, अच्छा खासा आप गेमिंग कर पाओगे, एक 5G फोन आपके लिए मिल जाएगा जो कि सस्ता में आपको देखने को मिल जाएगा आगे चल के। तो कुछ इस तरह का स्पेक्स के साथ ये फोन इंडिया में आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन का सेंसर के बारे में। आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा जो कि ऑडियो जैक रहेगा, टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में, ब्लूटूथ वाईफाई तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस एंड रैम स्टोरेज के बारे में। पहला जो बेस वेरिएंट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा 6GB का रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ। तो आप सबको प्राइस का इंतजार हुआ था, इस फोन का प्राइस लगभग 15 से 17 हज़ार के बीच में इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जो कि सस्ता 5G फ़ोन होने वाला है 15 से 17 हज़ार के रेंज में, और भी ऊपर रेंज आएगा, यानी कि 8GB का रैम, 256GB का स्टोरेज, 20 से 21 हज़ार के अंदर में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा। तो इस फ़ोन का अगर लॉन्च डेट की बात करूँ, लीक्स की मानूँ, तो ये फ़ोन जनवरी तक लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, जनवरी में कंफर्म है कि इंडिया में ये लॉन्च हो जाएगा। अब जो 2021 आ रहा है तो उसमें आपको 5G फ़ोन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अब ज़्यादा फोकस 5G फ़ोन पर करने वाला है। तो इंतज़ार करिएगा Realme 8, तो यानी कि Realme 8 Pro भी आपको 5G फ़ोन ही देखने को मिलेगा, लेकिन 5G नेटवर्क का अभी तक पता नहीं है, लेकिन फ़ोन 5G आए जा रहा है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, पर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कल आपसे एक नए वीडियो के साथ।